सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ इस टाइप के कलर टोन्स में आप लोग अपनी फोटोज को कैसे एडिट कर सकते हैं। सो मैं ये फोटो को पूरा लाइटरूम में एडिट किया हूँ, बताने वाला हूँ लाइटरूम में आप लोग अपनी फोटोज को कुछ इस टाइप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ इस टाइप की सिनेमेटिक टोन्स आप अपनी फोटोज में कैसे क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल टोन्स तो काफी लोग क्रिएट करते हैं, सो क्यों हम लोग कुछ सिनेमेटिक टोन्स क्रिएट करना सीखे जहाँ पे हमारी फोटोज देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी एंड लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। सो देखते हैं किस टाइप से मैं एडिट किया था एंड किस टाइप से आप लोग अपनी फोटोज में सिनेमेटिक कलर टोन्स क्रिएट कर सकते हो। सो चलते रहे देखते हैं, लेट्स गो गाइस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर मैं इस फोटो के लिए बात करूँ, सो मैं इस फोटो को जब क्लिक किया था ना तो ये सन अपोजिट में था एंड मैं सन के अपोजिट में खड़े होकर पोज कर रहा था। सो कुछ इस टाइप से अपनी जो फोटो है ना ये हल्की सी डिकॉन्ट्रास्टेड आ रही है। डिकॉन्ट्रास्टेड मतलब जहाँ पे अपनी फोटो अच्छे से विजुअल नहीं हो पाती। सो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने वाले हैं एंड इसको आप लोग दो टाइप से कर सकते हो। फर्स्ट नंबर जो होता है वो आप लोग कर्व टूल से यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करके। सो यहाँ पे जो वाइड वाला लाइन रहता है यहाँ से आप लोग कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हो कुछ इस टाइप से ऊपर नीचे करके। एंड जो सेकंड नंबर ऑप्शन होता है ये आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट इसकी इंक्रीज कर सकते हो। सो मैं दोनों प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं कर्व टूल में जाके कुछ इस टाइप से हम लोग इसको इतना डाउन कर लेंगे एंड इसको हल्का सा ऊपर करने वाला हूँ ताकि नीचे से हल्का सा फेडेड टोन ऐड हो जाए। एंड यहाँ से कुछ इतना करने के बाद यहाँ से हम हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेंगे अपनी फोटो में एंड अपनी फोटो अब सही से बैलेंस हो चुकी है। एंड आपकी फोटोज़ में अगर जब इस टाइप से फोटोज़ क्लिक करते हो तभी ये सब करना रहेगा एंड अगर आप लोग नहीं करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। एंड उसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक्सपोजर मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हल्का सा 14 की तरफ ले जाऊँगा एंड जो हाईलाइट रहेगा इसको मैं कमी प्लस की तरफ करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो बैकग्राउंड है एंड जो मेरे कपड़े हैं वहाँ पे हाईलाइट पहले से ऐड है। एंड यहाँ पे मैं शेडो इंक्रीज़ कर लूँगा अपनी इस फोटो के लिए कुछ 52 की तरफ, कुछ इतना हो जाएगा। एंड जो वाइट्स वाला ऑप्शन रहेगा इसको भी मैं प्लस की तरफ रखने वाला हूँ क्योंकि फ़ोटो अपनी कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रही है, जो सामने की तरफ अपनी जो मेन सब्जेक्ट है वो ज़्यादा डार्क लग रही है कुछ इतना। एंड यहाँ पे हम लोग ब्लैक्स को भी इंक्रीज़ करने वाले हैं कुछ, इसको इंक्रीज़ कर लेंगे 27 की तरफ, कुछ इतना सही लग रहा है। एंड कुछ यहाँ से डन करेंगे, इसके बाद कलर्स पे आ जाएंगे कलर्स वाले, इसके बाद हम लोग कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कलर्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको कुछ -10 की तरफ कर लेंगे एंड जो अपना टिंट रहेगा इसको कुछ -29 की तरफ करने वाला हूँ। 29 की तरफ इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि हल्का सा कुछ मैट ग्रीन टाइप से मैं टोन यहाँ पे मैट ग्रीन टाइप से टोन्स क्रिएट करके बताने वाला हूँ। सो इसलिए मैं इसको हल्का सा -29 की तरफ कर रहा हूँ। एंड सेम यहाँ पे मैं सेचुरेशन भी हल्का सा -20-25 या फिर 27 की तरफ कर लूँगा, कुछ इतना कर लूँगा। एंड यहाँ से अपने फ़ोटोज़ में एक हल्का सा डीसेचुरेटेड टोन लग रही है। सो इसको हम लोग अच्छे से लास्ट में बैलेंस कर लेंगे एंड हम लोग कलर्स वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे HSL वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट एंड जो सेकंड रहता है ये अपने फेस के कलर्स होते हैं, इनको मैं लास्ट में अच्छे से बैलेंस करूँगा एंड बताऊँगा किस टाइप से आपको भी करना रहेगा। एंड इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर अपनी जो बैकग्राउंड है ये कलर होती हैं। सो थर्ड नंबर जो रहेगा अपना इसका जो ह्यू रहेगा इसको मैं प्लस की तरफ रखने वाला हूँ कुछ ग्रीन की तरफ क्योंकि हम लोग यहाँ पे हल्का सा मैट ग्रीन टाइप की टोन्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सेचुरेशन माइनस कर लूँ कुछ 27 की तरफ एंड यहाँ पे जो अपना एंड सेम यहाँ पे ग्रीन पे भी 100 कर देना है। एंड इसको हम लोग कुछ -36 की तरफ करेंगे एंड इसको हम लोग कुछ करेंगे -22 की तरफ, कुछ इतना हो जाएगा। एंड यहाँ से हम लोग सेचुरेशन अब प्लस करने वाले क्योंकि अपनी जो फेस अगर देख पा रहे होगे यहाँ पे काफ़ी डीसेचुरेटेड टाइप से। सो कुछ इस टाइप से हम लोग इसको प्लस की तरफ कर लेंगे, कुछ इतना कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग ल्यूमिनेंस भी इंक्रीज़ कर लेंगे अपना जो फेस रहेगा इसका, कुछ इतना हम लोग ल्यूमिनेंस इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ 84 की तरफ कर लेंगे इसको, कुछ इतना कर लेंगे। एंड यहाँ पे सही लग रहा है, अच्छे से बैलेंस लग रहा है अपना जो फेस का ल्यूमिनेंस है कलर है वो सब बैलेंस लग रहे हैं। एंड सेम यहाँ पे ये अपने लिप का कलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो इसको मैं प्लस की तरफ करने वाला हूँ। एंड इसको हल्का सा जो ह्यू रहेगा इसको हल्का सा माइनस की तरफ ले जाऊँ क्योंकि अपनी जो मोस्ट ऑफ द स्किन होती है वो हल्का सा रेडिश टाइप से होती है एंड हल्का सा येलो इस टाइप से। सो कुछ इस टाइप से है। एंड यहाँ पे जो अपने कपड़े की कलर है इसको मैं पूरा डार्क करने वाला हूँ, सो इसलिए इसकी जो सेचुरेशन है इसको पूरा माइनस कर दिया हूँ, इसको यहाँ से पूरा माइनस कर देंगे। एंड आप लोग अपने हिसाब से देख लेना किस टाइप से आपको अपने कलर्स को कपड़े के कलर्स को रखना है। अगर सेम टोन्स चाहिए तो मेरे जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सेम स्टेप आप लोग फॉलो करते जाओ। कुछ इतना हो जाएंगे बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी फोटोज़ में जो होती हैं यहाँ पे हम लोग सिनेमेटिक टोन्स देने की ट्राई करेंगे। सो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा एंड सबसे स्टार्टिंग में आप शैडो पार्ट के लिए इसको हम लोग रखेंगे 197 की तरफ फोटोज़ में। एंड यहाँ पे हम लोग ब्लेंडिंग पूरा 100 की तरफ करेंगे इसको, इसको 17 की तरफ कुछ रख लेंगे। एंड यहाँ पे सेम लाइट्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड हाईलाइट्स वाले ऑप्शन के आने के बाद जो इसकी ह्यू रहेगी इसको हम लोग रख लेंगे 254 की तरफ, कुछ इतना कर लेंगे लेंगे। एंड जो सेचुरेशन है इसको हम लोग कुछ रखेंगे 11 की तरफ। सो ये सही लग रहा है अपनी इस फोटो के लिए। एंड ब्लेंडिंग पूरा इसका भी हम लोग 100 रखने वाले हैं। एंड सेम हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग अपनी फ़ोटोज़ में
एक फ़िल्टर ऐड करने वाले हैं, जिस फिल्टर का नाम है आर्टिस्ट 05 करके एक ऑप्शन दिखेगा। सो यहाँ से हम लोग ये फ़िल्टर ऐड करेंगे एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी इसको हम लोग रखेंगे 39 की तरफ कुछ इतना, एंड कुछ ही बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ से हम लोग सिलेक्टिव में आएंगे, सिलेक्टिव में आने के बाद नीचे से ग्रेडियंट ऐड करेंगे एंड नीचे से हल्का सा अपना जो पार्ट रहेगा नीचे का पार्ट इसको हम लोग डार्क करने वाले हैं, ताकि जो अपना मेन फोकस रहे वो अपने ऊपर की तरफ रहे एंड पूरा अपने मॉडल पे शिफ्ट हो जाए जितना भी फोकस रहेगा। इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है यहाँ से एंड हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाएंगे एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ऑप्शन रहेगा इसको हम लोग हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ करेंगे, यानी कि यहाँ पे हल्का सा टोन हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपनी फ़ोटोज़ में। सो कुछ इस टाइप से टोनिंग आप लोग अपनी फ़ोटोज़ में क्रिएट कर सकते हो एंड इससे भी अच्छी रिजल्ट आप लोग अचीव कर सकते हो, वो आपके ऊपर आप लोग किस टाइप से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करते हो एंड आप लोग ये सेटिंग आगे पीछे करके देख सकते हो, इससे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोग निकाल सकते हो। कुछ इस टाइप से आगे पीछे करके और भी अच्छे रिजल्ट आप लोग निकाल सकते हो अपनी फ़ोटोज़ के लिए एंड कुछ इस टाइप से आप लोग सिनेमेटिक ग्रीन मैट कलर क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ में एंड अपनी फ़ोटोज़ जब एक्सपोर्ट करने की बारी आए तो यहाँ पे शार्पनेस ऐड कर लो, मिक्स ऐड कर लो, मास्किंग ऐड कर लो, नॉइस रिडक्शन हल्का सा एंड कलर नॉइस हल्का सा एंड इसके बाद आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी साफ हो जाएंगी एंड उसके बाद आप लोग अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करो। सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बिफोर एंड आफ्टर, सो कुछ इस टाइप से आप लोग अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करो एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।